झाबुआ के कंजावनी छात्रावास मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। यहां जांच टीम द्वारा बनाए गए दोनों आरोपी में से एक आरोपी ने दूसरे आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दरअसल दो दिन पहले कंजावनी छात्रावास के बालिकाओं ने बाल संरक्षण आयोग व 181 पर शिकायत की थी, जहां शिकायत के बाद भोपाल से पहुंची जांच टीम ने जांच कर छात्रावास के वार्डन एवं चपरासी को दोषी ठहराया था। लेकिन यहां ठीक उल्टा मामला नजर आ रहा है, जहां महिला हॉस्टल वार्डन ने चपरासी के खिलाफ ही रानापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जबकि महिला बाल संरक्षण भोपाल की टीम के द्वारा हॉस्टल वार्डन और चपरासी को दोनों को ही आरोपी बनाया गया है। बच्चों से हमने बात भी की, शिकायत के अनुसार बहुत सारी बातें सच पाई गई हैं। हमने ट्राइबल के जो अधिकारी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कोई निशा मैडम है, उनसे हमने बात की और उनसे कहा है कि इस पर कार्रवाई करें तत्काल। दूसरा, एक कुछ मामला बैड टच का भी हमें निकला है, तो जिस संबंध में हम एसपी साहब से बात करेंगे कि क्योंकि पॉक्सो की एक धारा है 19, जिसमें इस तरीके की कोई बातें किसी के सामने स्पष्ट हो रही हों और वो उस पर कार्रवाई ना करे बच्चे की, तो बराबर का दोषी है। हम जिम्मेदार पद पे हैं, हम इसकी शिकायत एक पत्र भी लिखेंगे, रानापुर थाने में भी जाएंगे, जो हम लिखित में देंगे, एसपी से भी बात करेंगे, इस पर कार्रवाई कराने की।